करिएगा। प्रोग्राम की इजाजत चाहूंगी आप सभी से जिन्होंने इस महफिल को बाखूबसूरती से सजाया है, और मोहतरम जनाब उमर दराज और उनकी पूरी पार्टी से मैं प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहूंगी। नीचे का प्रोग्राम का आगाज कलावती कर रही हूँ उसूले, जो कि कव्वाली का चंद आशार उस मौलाए मालिक की शान में जिसने हमें आपको और सारी कायनात को बनाया है। उसके बाद एक नाते पाक, जैसे कि मोहतरम ने अभी आप लोगों को कलाम सुनाए दो, उसके बाद इंशाल्लाह जैसा आप लोग चाहेंगे आप लोगों को सुनाया जाएगा। तवज्जो चाहूंगी। खूबसूरती से सजाया उनका नाम कलीम साहब, उनसे भी मैं खास करके तवज्जो चाहूंगी। लीजिएगा। मुसीबत से निकलने के वो रास्ते भेज देता है, अजान शहर में खुल जाता है जिस दर का दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। चार मिसरे हिंदू मुसलमान एकता पे, चार मिसरे। अभी नन्ना ये पौधा है, बड़े होकर के फल देगा। अभी ये नन्ना पौधा है, बड़े होकर के फल देगा। हमारे कौम का बच्चा हवाओं का रुख बदल देगा। वो हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूं, दोनों ही प्यार के प्यासे हैं। मैं उसको जमजम दूंगा, वो मुझको गंगा जल देगा। Thank you.
चाहे तो कीमती कर दे, हर एक सांस का तू एहतराम कर, वरना वो जब भी चाहे जहां चाहे आखिरी कर दे। वो जब भी चाहे जहां चाहे वहां पे रोशनी करी दे, वो जब भी चाहे जहां चाहे आखिरी कर दे। लेकिन कहना है कि जीत जाता अगर वो जंग तो गाजी होता, सर कटा देता सजदे में तो अल्लाह भी राजी होता। अरे कौन कौन मस्जिदों की तरह सर उठा सकता था अगर हर मुसलमान पांच वक्त का नमाजी होता। सबक प्यार का लोगों को सिखाना होगा, अब सबक प्यार का लोगों को सिखाना होगा, रहा दुश्वार को आसान बनाना होगा। देखे कुर्बानियां खुद अपने वतन के खातिर, अपने गुलशन को तबाही से बचाना होगा। अपने गुलशन को तबाही से अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, 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 और मत करो इस देश में दंगा रहने दो, मत करो इस देश में दंगा रहने दो, हमको नीले पीले रंगों में मत बांटो, अरे छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, हर छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, मत करो आपस में दंगा रहने दो, हमको नीले पीले रंगों में मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। और ये 200 रुपए इनायत हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसना भाई का। तवज्जो चाहूंगी, क्या कहना है? खुदा का नाम लेकर इब्तिदा करती हूँ मैं फिल्म में, खुदा का नाम लेकर इब्तिदा करती हूँ मैं फिल्म में, खुदा का नाम लेकर इब्तिदा करती हूँ मैं फिल्म में, खुदा का नाम खुदा करती हूँ मैं फिल्म में, रखेगा लाज वो मेरी, रखेगा लाज वो मेरी, सदा देती तुम्हें फिल्में, रखेगा लाज वो मेरी, सदा देता हूँ मैं फिल्में। और बचा बचाया नूह की कश्ती को तूफाने हवादिश से, अरे करेगा पार वो बेड़ा, करेगा पार वो बेड़ा, यकी रखती तुम्हें फिल्में, करेगा पार वो बेड़ा, यकी करती हूँ फिल्में, करेगा पार वो बेड़ा, यकी रखती तुम्हें फिल्में।
क्या? हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, पता लगाओ कि इंसान कौन है। और मंदिर मस्जिदों के मिसाल में न उलझो, घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। पता लगाओ कि घर घर परेशान कौन है। समाप्त कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगी। क्या कहना है कि जिस फूल में खुशबू न हो। क्या कहा है? जिस फूल में खुशबू न हो वो गुल ही नहीं है। जिस दिल में मोहब्बत न हो वो दिल ही नहीं है। जिस दिल में मोहब्बत न हो वो दिल नहीं है। कहना है कि जिस फूल में खुशबू ना हो वो गुल ही नहीं है, और जिस दिल में मोहब्बत ना हो वो दिल ही नहीं है। और ईमान से जिस सर में ना सदाए नबी हो सरवर, तो वल्लाह वो सर सजदे के काबिल ही नहीं है। वल्लाह वो सर सजदे के काबिल जनाब। बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे नबी पाक ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा इस्लाम फैलाने के लिए। इस्लाम फैलाने की तो बात अलग है, मोहब्बत और खुलूस फैलाने के लिए भेजा है। क्योंकि हमारे नबी पाक का भी देहान हमारे हिंदुस्तान पे भी था, यहाँ का भी हर इंसान उनको प्यारा था। इसीलिए कहना है क्या कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। ये दुनिया एक हो जाए यही उनका इशारा। इशारा था कि एक मुझी को नहीं मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। मेरे नबी को हिंदुस्तान। माते पाक का मतलब पेश करूंगी। कहना है बहुत हसीन शेर, कहना है कि ये सबा ला दे जरा सी खाक उनके आस्ताने की, ये एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। और कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है उस खुदा को मुंह दिखाने की। यही एक सूरत है दिखाने की। तो लीजिएगा, नाते पाक पेश कर रही हूँ। मेरी पहली हाजिरी है इधर। आप लोगों से मोहब्बत की गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे भी इज्जत और हौसले से यहाँ पर बख्शा जाए। बाकी अल्लाह का हुक्म है, इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है। तज़िल्लु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। तवज्जो चाहूंगी। क्या कहना है? कोई नहीं
हमारे सबसे ज्यादा रब के करीब थे, खुदा के करीब थे, वो हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला जो इतने अजीज थे कि सारी की सारी उम्मत हमारे नबी के नाम करती। तवज्जो चाहूंगी, क्या कहना है? सारे नबियों में, सारे नबियों में मेरे प्यारे नबी अव्वल है, सारे नबियों में मेरे प्यारे नबी अव्वल है, सारे नबियों में मेरे प्यारे नबी अव्वल है, सारे खलकत में नबी नाम की यही मंजिल है, जिसको खास रसूल अनाम से और बनते हैं बिगड़े काम मोहम्मद के नाम, मोहम्मद के नाम से परवाज करते करते जो देखा दरे रसूल, चिड़ियों ने पर समेट लिए एहतराम से, चिड़ियों ने पर समेट लिए एहतराम से, चिड़ियों ने पर समेट लिए एहतराम से। देखिएगा क्या कह रही हूँ, बहुत हसीन मन पेश कर रही हूँ। शैतान है दो जहान मोहम्मद के नाम पर, शैतान है दो जहान मोहम्मद के नाम पर, शैतान है दो जहान मोहम्मद के नाम पर, कुरान की कुर्बान मोहम्मद के नाम पर, कुरान की कुर्बान मोहम्मद के नाम पर, सच्चे में मोहम्मद
पेश कर रही हूँ और तवज्जो चाहूंगी, चंद आशार व गरीब नवाज की शान में पेश करूंगी या बाबा की शान में। क्या कहना है? कहना है कि गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। अरे ना कर जा का भरोसा, ये तो बस जाने वाली है। भरोसा करना है तो उस पे कर जो जाते अली है, बचा लेगा वही दोजख से जिसकी कमली काली है।